हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंगद वर्मा। आप देख रहे हैं टेक्स पार्टी का स्पोर्ट। यह तो आप 10-15 व्यू से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपका वीडियो का इंप्रेस डाउन है तो आपको क्या करना चाहिए? ये कैसे हो गया है डाउन और आपको इसका उपाय क्या है, इसका कारण क्या, इसका रीजन क्या है कि आप अपना वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल को इंप्रेस बढ़ा सके और व्यू भी बढ़ा सके, सब्सक्राइबर भी गेन कर सके। तो इसका मेन कारण यह है कि आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, जिसके चलते आपके चैनल पे इंप्रेस डाउन हो गया है। आपने गलती किया होगा, इसके चलते आपके चैनल पे इंप्रेस डाउन हो गया है, तो आपका चैनल अनफ्रीज में चला गया है। आपने क्या क्या गलती किया है उसको मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया होगा, कोई वीडियो में कुछ मिस्टेकिंग होगा या कुछ उसके अंदर बदलाव करे होंगे, आप अपने वीडियो को री अपलोड करेंगे करे होंगे कभी कभी किसी न किसी दिन, तो आपके चैनल पे व्यूज का ग्राफ डाउन हो जाएगा, आपका रीच का ग्राफ भी डाउन हो जाएगा, आपका इंप्रेस भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार इलीगल तरीके से अपने वीडियो को री अपलोड करते हैं। जैसे जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस वीडियो में जाके दोबारा छेड़खानियां करते हैं, टाइटल थंबनेल कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज कर देते हैं, फिर दोबारा अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, जिसके चलते आपके चैनल पे व्यूज इंप्रेस बिल्कुल ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, तो आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएगा। यह पहला गलती है। और दूसरा गलती है कि कोई भी वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए होंगे उसको आपने कभी ना कभी किसी ना किसी दिन डिलीट किया होगा, डिलीट करने के कारण भी आपका चैनल अनफ्रीज हो जाएगा। तो आपको ये सारे गलतियां आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं करना है। आप अपने वीडियो जब अपलोड करते होंगे तो सही टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं करते होंगे, इसके कारण भी आपके चैनल पे व्यूज का इंप्रेस और व्यूज और जो ग्राफ होता है रिच का, ये सब डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप उस अपने चैनल पे अच्छे तरीके से ढंग से काम नहीं करते हैं। और क्या कारण है मेरे दोस्तों, जैसे कि आप अपना वीडियो सही, जैसे कि रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, सही टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब समझता है कि जो ऑडियंस अपने YouTube चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड करता है YouTube वही का साथ देता है, और जो एक दो दिन तीन चार दिन वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, गैप गैप करके वीडियो अपलोड करते हैं, उनका YouTube साथ नहीं देता, उनका वीडियो का इंप्रेस बिल्कुल 10% तक ही रख देता है या 15% तक ही रख देता है, तो आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कि आपका चैनल फ्रीज हो चुका है। मैं दोस्तों इसको बोलते हैं आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, तो आप अपने YouTube चैनल को अनफ्रीज कैसे करेंगे? मैं दोस्तों अपने YouTube चैनल को अनफ्रीज कैसे करेंगे उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो पीछे मैंने बताया उसका मैंने कारण बताया है कि कैसे आपका चैनल अनफ्रीज हो चुका है। आप चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका चैनल को अनफ्रीज कैसे करेंगे। जी दोस्तों, जब आप वीडियो बनाइए अपलोड कीजिए तो अपलोड करने का एक सही टाइम आपको फ्लैट कर लेना है शुरुआत ही दिनों से, क्योंकि जिस टाइम पे वीडियो आपको अपलोड करना है उसी टाइम पे आप वीडियो अपलोड करेंगे, और आपको रेगुलर वीडियो प्रतिदिन एक या दो वीडियो, जिस टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं एक दिन में दो बार वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको दो वीडियो सही टाइम पे रेगुलर अपलोड करना है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों उसके बाद अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो को डिलीट मत करिए मेरे दोस्तों। आप अपने वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपका इंप्रेस डाउन हो जाएगा, आपका वीडियो का इंप्रेस, सारे वीडियो का इंप्रेस डाउन हो जाएगा, इसलिए अपने वीडियो को डिलीट मत कीजिए। और चौथा बात क्या है मेरे दोस्तों, अपने YouTube वीडियो अपलोड करने के बाद उसके अंदर कोई भी छेड़खानियाँ नहीं करनी है, यानी कि कोई भी बदलाव या एडिट नहीं करना है, तो आपके चैनल का इंप्रेस बढ़ता ही चला जाएगा। आपको रेगुलर 30 दिन से लेके 90 दिन तक आप लगातार ऐसे काम करेंगे तो आपका इंप्रेस YouTube बढ़ा देगा, यानी कि पहले के मुताबिक से आपका इंप्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, तो इंप्रेस बढ़ेगा तभी आपके YouTube चैनल पर व्यूज आएगा, यानी कि 10-15 व्यू से आप छुटकारा पा सकेंगे। तो वीडियो पसंद करते हैं मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका दोस्त अंगद वर्मा, टेक्स्ट पार्ट का स्पोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।